नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैनर, मैनर का मतलब होता है ढंग। मैनर का मतलब होता है हिंदी में ढंग या तरीका, बोल सकते हैं ढंग या तरीका। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की एडवर्ब होती हैं, दीज एडवर्ब्स, These adverbs tell us about our actions, manner। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, These adverbs tell us about our actions, manner। ये एडवर्ब हमें बताती हैं हमारे एक्शन के मैनर के बारे में बताती हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि हाउ आर एक्शन इज डन, कि हमारा एक्शन जो है दोस्तों किस तरह से किया गया है, यानी कैसे हमारा एक्शन, हमारा कार्य किस प्रकार से किया गया है, किस तरीके से किया गया है। ये एडवर्ब हमें यही बताती हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आइए एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों एग्जांपल, जैसे मैंने कहा संभल कर चलो, मैंने कहा दोस्तों संभल कर चलो, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेट करेंगे इसको, वॉक केयरफुली, ये बनेगा दोस्तों वॉक केयरफुली, यानी हमारा एक्शन किस प्रकार से होता है ये एडवर्ब बताता है। देखिए यहां पर यदि हम वर्ब से कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी सेंटेंस में हमें वर्ब दी जाती है उस वर्ब से यदि हम कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस कैसे का आंसर जो आता है वो आंसर हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर देता है। ये आपको क्लियरली समझना है। देखिए यहां पर वर्ब मेरे पास क्या है, संभल कर चलो, यहां पर वर्ब है चलना, वॉक। तो अगर आप इससे कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी हाउ, कैसे चलें, केयरफुली, तो ये आंसर निकल करके आता है हमारा केयरफुली। तो ये दोस्तों केयरफुली क्या होगा, केयरफुली होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा दोस्तों। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि सांप धीरे से चला, तो ये देखिए दोस्तों द स्नेक मूव्ड स्लोली, वही बात है, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। देखिए मैंने बताया क्या आपको, वर्ब ढूंढिए, वर्ब कहां पर है, वर्ब है हमारे पास में मूव। अगर वर्ब से आप कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कैसे मूव किया, सांप ने कैसे मूव किया, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है हमारा स्लोली। तो दोस्तों स्लोली क्या हुआ, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा राधा जोर से बोलती है, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राधा स्पीक्स लाउडली, राधा जोर से बोलती है। ठीक है, वर्ब हमारे पास स्पीक है, और यदि आप वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं कैसे का, अगर आप कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं यानी कैसे बोलती है, तो उसका आंसर आता है लाउडली। तो जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होगा दोस्तों, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने कहा बच्चा खर्राटे से सोता है, The child sleeps soundly। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे सोता है, ये वर्ब है हमारे पास में, और इस वर्ब से यदि मैं कैसे का क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी हाउ, कैसे सोता है, तो उसका आंसर आता है साउंडली,
खराटे से, तो ये आंसर देने वाला वर्ड क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा दोस्तों। लड़की धीरे से बोलती है, द गर्ल स्पीक्स स्लोली। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो बात समझ में आ रही होगी आपकी कि जो भी हमारे पास वर्ब होती है, अगर आप उस वर्ब से कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा वर्ब जो है एक्शन है, यानी एक्शन कैसे हो रहा है, तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हो रहा है उसका यदि आंसर हम देखते हैं तो वो आंसर ही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि स्पीक्स कैसे बोलती है, क्वेश्चन पूछा कैसे, लाउडली कैसे बोलती है, कैसे सोता है बच्चा, साउंडली, कैसे चलती है लड़की, स्लोली। तो इस तरह से जो भी आंसर आता है हमारा वर्ब से, यदि आप कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, जो आंसर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है दोस्तों। और देखिए एग्जांपल बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मैंने कहा सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, द सोल्जर्स वर फाइटिंग, द सोल्जर्स वर फाइटिंग ब्रेवली। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों वर्ब कहां है, वर्ब ढूंढिए, वर्ब ये हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब से आप कैसे का क्वेश्चन पूछिए, लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, तो आंसर जो आता है ये आंसर आता है हमारा। तो जो भी आंसर आता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, यानी किस ढंग से किस तरीके से हमारा काम हो रहा है ये आंसर आता है। और देखिए मैंने कहा वह आसानी से कार चलाती है, वह आसानी से कार चलाती है। देखिए दोस्तों हम इसको ट्रांसलेट करें क्या हो जाएगा, सी ड्राइव्स द कार इजीली, सी ड्राइव द कार इजीली। आप वर्ब को ढूंढिए, वर्ब कहाँ है दोस्तों, वर्ब यहां पर है हमारा, चलाती है। आप वर्ब से कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे चलाती है, जो भी आंसर आएगा, देखिए कैसे चलाती है, इजीली आसानी से चलाती है, तो ये आंसर आया इजीली। तो ये इजीली क्या होगा दोस्तों, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है दोस्तों, बात आपकी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से समझना है, सिंपल वर्ड्स में समझना है कि हमारा जो एक्शन है, जो हमारा कार्य है, वो किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो तरीका ही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, ये आपको समझ लेना आसानी से। मैंने कहा भाग्यवश वह बच गया, भाग्यवश वह बच गया, तो क्या होगा दोस्तों, फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड, या आप इसको फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर देखिए दोस्तों कैसे बच गया, अगर आप बच गया से कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर आता है हमारा फॉर्चुनेटली, तो भाग्यवश, तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है दोस्तों, तो और बहुत सारे एग्जांपल आप बनाए जा सकते हैं, बस आपको तरीका समझना है, जो बताया गया है उसको समझिएगा कि हमारे एक्शन का, हमारे कार्य का तरीका जो भी होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है दोस्तों। ढेरों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, और बने रहिएगा मेरे साथ,
अगली वीडियो में हम अगले एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। दोस्तों थैंक यू, कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।